हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चंस है, बताइएगा 15 और 15 मार्क्स किसके आए। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? ऑप्शन है, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सेकेंड है बी वाला की स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे, हम गतिविधि खुद नहीं करेंगे। ऑप्शन सी दिया गया है कि आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। ठीक है, शामिल करेंगे, ठीक है, ये देखते हैं इसको डाउट में। ऑप्शन डी दिया गया, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए कहे। देखिए सी से ज्यादा क्या आपका डी में बेटर है, ये आपका सी से बेटर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा कि बच्चे को स्वयं गतिविधि करने के लिए हम देंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? सृजनात्मकता की बात की गई है। ऑप्शन है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ऑप्शन बी प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्ज्ञात प्रतिभाओं का पोषण करने, प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करना। ठीक है, ऑप्शन सी दिया गया विद्यालय जीवन के प्रारंभ उपलब्धि के लक्ष्य पर बल देना, बल नहीं देना है। ऑप्शन डी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, बिल्कुल नहीं, राइट। प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्ज्ञात प्रतिभाओं का पोषण करेंगे और उनका प्रश्न करने को हम क्या करेंगे, अवसर देंगे, तो राइट आंसर बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन ए पढ़ने की उत्सुकता, ऑप्शन बी दिया गया धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन सी दिया गया शिक्षा पद विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन डी दिया गया अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, अगर आप शिक्षक है, टीचर्स है, तो आपके अंदर दृढ़ता होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, क्या बढ़ावा देता है एक अच्छा अध्यापक? ऑप्शन है प्रतियोगिता की भावना को, बिल्कुल नहीं, सहयोग की भावना, बिल्कुल सही है, प्रतिद्वंदता की भावना हम नहीं करेंगे, तटस्थता की भावना नहीं, हमेशा हम क्या करेंगे, कॉपरेट करेंगे। ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, हम भावना को देंगे, तो राइट आंसर बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए किस तरह? मैंने कोई कोई बच्चा रहता है ना, जब आप पढ़ाते हैं ना, उसी टाइम बच्चा क्या करता है, दूसरा बच्चा आपको वहां पे क्वेश्चन पूछता है, और उस टाइम आपको अगर टीचर है, एज ए टीचर है, तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया। शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी है कि शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बढ़ा देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी है कि शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझा कर देना चाहिए, बिल्कुल सही है कि जब आप पढ़ाते हैं, जब आपको कोई स्टूडेंट पूछता है, तो आप क्या कहेंगे कि आप मुझसे बाद में पूछिए, मैं तभी आपको बता दूंगा। ठीक है, उसको बाद में बताएंगे और अच्छे तरह से समझा देंगे, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दिया गया आजीविका कमाना, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, चौमुखी विकास की बात की गई है। ठीक है, चारों जो चौमुखी विकास होता है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की, जैसे आपका संज्ञानात्मक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, ठीक है, फिजिकल, इस सारे शारीरिक हो, ये चारों उनका विकास होना चाहिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या? ऑप्शन ए दिया गया वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित, ऑप्शन बी दिया उसे अपने विषय का गहन ज्ञान, ऑप्शन सी दिया वह अत्यधिक संवेदनशील, ऑप्शन डी दिया वह सख्त अनुशासन पसंद करता है, नहीं, उसे क्या होना चाहिए, अपने ज्ञान मानसिक रूप से ना, यहाँ पे उसे अपने विषय का गहन ज्ञान होना चाहिए, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, ऑप्शन ए दिया जब शिक्षक फुर्सत में, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी दिया गया जब विद्यार्थी फुर्सत में, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी दिया गया कुछ समय के बाद, ऑप्शन डी तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई। ठीक है, राइट आंसर क्या हो, जब क्वेश्चन पूछता है तभी टीचर को वहां पे जवाब देना चाहिए, तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, विश्लेषणात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन ए एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करेगा तर्क? ऑप्शन सी बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक, अप्रासंगिक कैसे हो सकता है? शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते, बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर होगा, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं प्राथमिक के लिए? ठीक है, ऑप्शन है वीडियो अनुरूपण, बिल्कुल सही है, प्रदर्शन करके स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, बिल्कुल सही, ये सभी, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, अच्छा जिनके माता पिता नहीं, पेरेंट्स पढ़े होते हैं, तो अगर उनको अंग्रेजी सिखाएंगे कोई भी लैंग्वेज, तो कैसे पढ़ेंगे? आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बातें करेंगे, बिल्कुल नहीं।
आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे? बिल्कुल नहीं। आप उसे मातृभाषा की सहायता से हम क्या करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे अंग्रेजी, ठीक है। आप क्या करेंगे, अगर टीचर है, अगर कोई आपको जिसको पढ़ने नहीं आता है, जो उसकी लैंग्वेज होती है, मदर टंग होता है, ठीक है, वर्नाकुलर, उसको आप उसकी सहायता से मातृभाषा से उसको जो भी लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं तो सिखा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एक शिक्षिका अपने आपसे कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए दिया गया सक्रिय भागीदारिता, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी अनुदेशात्मक सक्रियता, बिल्कुल नहीं। अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, भूमिका प्रतिरूप बनाना, बिल्कुल नहीं। सीखने की तत्परता नहीं, और सक्रिय भागीदारिता की बात की जा रही है, कोऑपरेट पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है, ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए दिया प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी दिया उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, अलग हम बिल्कुल रखेंगे, सेपरेट। ऑप्शन सी दिया सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, देखते हैं। ऑप्शन डी दिया गया बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव, भेजने का, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग है, ये तो होगा नहीं। राइट आंसर क्या होगा, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ हम क्या करेंगे, चर्चा करनी चाहिए, तो राइट आंसर सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी गति प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता? ऑप्शन ए समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, पहले वाला ही करेक्ट आंसर होगा कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन केवल तो होगा नहीं, परीक्षा में अच्छे अंक के लिए नहीं होता, बार बार ली जाने परीक्षा नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि पढ़ाई के लिए योग्य नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। बच्चे ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं ना। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। व्यवस्था फेल हो गई भैया हमारे, जब हमारा बच्चा फेल हो जाएगा ना तो हमारा व्यवस्था ही फेल हो जाएगा। तो ये आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।